बीकॉम पार्ट तृतीय, प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन द्वितीय, बीमा एजेंट का लाइसेंस भाग एक, यानी इस चैप्टर में जो बहुत सारी बातें हैं इसलिए इस वीडियो में कुछ बातें बताई जाएंगी। ये प्रश्न पत्र जो है बीमा के पुस्तक प्रश्न, बीमा के मूल आधार या मूल सिद्धांत के प्रश्न पत्र पर आधारित है। बीमा एक ऐसा व्यवसाय कार्य है जिसका सभी देशों में नियमन होता है, यानी उनके लिए नियम बने हुए होते हैं। सभी देशों में नियमन होता है, यानी नियम बने हुए थे, कानून कायदे बने हुए हैं। फलत है बीमा व्यवसाय एवं कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बीमा संबंधी सभी कानूनी प्रावधानों एवं विनियमों के अनुरूप कार्य एवं व्यवहार करना पड़ता है, यानी वो कानूनी प्रावधानों का पालन करेंगे और उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करेंगे। बीमा एजेंट इस सामान्य सिद्धांत के अपवाद नहीं हैं, उन्हें भी इन्हीं कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधीन बने विनियमों के अनुरूप ही कार्य एवं व्यवहार करना पड़ता है। फलतः कोई भी बीमा एजेंट बिना लाइसेंस, यानी अनुज्ञापत्र जिसको कहते हैं अपन, लाइसेंस प्राप्त किए बीमा का व्यवसाय का आग्रह नहीं कर सकता है और न ही बीमा व्यवसाय ही प्राप्त कर सकता है। तो ये जो भाग है इसमें कुछ प्रावधान इस व्याख्यान में बताए जाएंगे। बीमा एजेंट का लाइसेंस। बीमा एजेंट लाइसेंस विनियम 2000 तथा निगमीय बीमा एजेंट लाइसेंस विनियम 2002 के अनुसार बीमा लाइसेंस से तात्पर्य लाइसेंस के उस प्रमाण पत्र से है जो इन विनियमों के अधीन किसी बीमा एजेंट को जारी किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बीमा लाइसेंस क्या है? एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है। दूसरा, यह है बीमा एजेंट लाइसेंस का प्रमाण पत्र है, यानी वह बीमा एजेंट बना है और बीमा एजेंट होने का लाइसेंस मिला है, उसका प्रमाण पत्र है। तीसरा, यह है बीमा एजेंट लाइसेंस संबंधी विनियमों के अधीन जारी किया जाता है, यानी जो विनियम इस पर लागू होते हैं उसके अधीन जारी किया जाता है। चौथा, यह लाइसेंस बीमा एजेंट को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। फिर इससे क्या होगा कि यह लाइसेंस जो है बीमा एजेंट को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार उसको मिल जाएगा। तो ये था बीमा एजेंट का लाइसेंस का भाव अर्थ, ये था। अब आते हैं इससे संबंधित बीमा एजेंट या बीमा प्रमाण पत्र लाइसेंस से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली है जिनके अर्थ समझना जरूरी है। पहला है एकल एजेंट, इंडिविजुअल एजेंट। जब किसी प्राकृतिक एकल व्यक्ति को बीमा एजेंट नियुक्त किया जाता है, प्राकृतिक व्यक्ति मतलब अकेला व्यक्ति जो है, जो प्राकृतिक है, वास्तविक व्यक्ति है, जो उसे एकल बीमा एजेंट कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? एकल बीमा एजेंट।
वह स्वयं कार्य करता है तथा उसे स्वयं को ही सभी योग्यताएं पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये होता है एकल बीमा एजेंट। दूसरा है निगमीय एजेंट। निगमीय बीमा एजेंट विनियम 2002 के अनुसार निगमीय बीमा एजेंट वह व्यक्ति है जिसे खंड के में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा जिसे निगमीय बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो ये दूसरा है निगमीय एजेंट क्या होता है। तीसरा होता है व्यक्ति। एक तो एकल एजेंट है वो व्यक्ति होता है। अब व्यक्ति शब्द बहुत ही व्यापक है। पर्सन की जहाँ बात करें, इंडिविजुअल और पर्सन, तो पर्सन की जहाँ बात करें तो वहाँ निगमीय बीमा एजेंट विनियम 2002 के अनुसार व्यक्ति शब्द में ये जो आपके सामने दिए गए हैं वो सम्मिलित हैं। जैसे कोई फर्म, यानी कोई फर्म है। दूसरा, कंपनी अधिनियम के अधीन निर्मित कोई कंपनी अथवा कोई कंपनी जिसे होती है ना, जो आप लोग जानते हैं, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, या फिर कोई व्यक्ति किसको कहेंगे, कोई बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनी के समान ही कोई नया बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक, समिति भी होती है इसमें, बैंक भी होता है, पंचायत, आप पंचायत के बारे में जानते हैं, तो पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण अथवा गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन अथवा सूक्ष्म उधार देने वाली वित्तीय संस्था यानी माइक्रो लेंडिंग फाइनेंस, नोवा, रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ये इंडिविजुअल में शामिल होगी, मतलब पर्सन में शामिल होगी। अगला, अन्य कोई संस्था या संगठन जिसे प्राधिकरण अनुमोदित करे। अब है संयुक्त मिश्रित निगमीय एजेंट। चौथा, ये एक शब्दावली है, ये संयुक्त या मिश्रित निगमीय बीमा एजेंट वह है जिसे किसी जीवन बीमाकर्ता अथवा साधारण बीमाकर्ता दोनों के लिए ही बीमा एजेंट का कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त है। तो मिश्रित यानी मिश्रित या मिला जुला, यानी जो बीमा का कार्य भी कर सकता है और सामान्य बीमा जो है जिसमें कार का बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस जो है, या मैरिन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, ये जो सामान्य बीमा है, इन सब का कार्य करने वाले को संयुक्त या मिश्रित निगमीय एजेंट कहा जाता है। फिर है मनोनीत या नामांकित व्यक्ति। मनोनीत या नामांकित व्यक्ति किसी बीमाकर्ता का वह अधिकारी है जो सामान्यतः विपणन क्रियाओं का प्रभारी होता है और जिसे उस बीमाकर्ता द्वारा नामांकित व्यक्ति के रूप में मनोनीत किया गया है तथा उसे प्राधिकरण द्वारा निगमीय बीमा एजेंट विनियम 2002 के विनियमों के अधीन लाइसेंस जारी करने या उनका नवीनीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो बीमाकर्ता का वह अधिकारी होता है जो सामान्यतः विपणन क्रियाओं का प्रभारी होता है। तो मनोनीत या नामांकित व्यक्ति। फिर है अनुमोदित संस्था। अनुमोदित संस्था से तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है जो शैक्षिक अथवा प्रशिक्षण कार्य, विशेषकर बीमा, विक्रय, सेवा एवं विपणन के कार्यों में संलग्न है तथा जिसे प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर है प्रमाणन, सर्टिफिकेशन।
प्रमाणन वह प्रक्रिया है जिसके अधीन किसी निगमीय एजेंट के किसी ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति को जिसने व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपेक्षित परीक्षा पास कर ली हो को ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसके अधीन उस व्यक्ति को अपने निगमीय एजेंट की ओर से बीमा व्यवसाय हेतु आग्रह करने तथा बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का हक मिलता है। तो फिर है विनिर्दिष्ट व्यक्ति, जब इसमें आया प्रमाणन तो विनिर्दिष्ट व्यक्ति क्या होता है, विनिर्दिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य कंपनी या उस फर्म के किसी संचालक अथवा साझेदार या एक या अधिक कर्मचारियों तथा अन्य संस्थान की दशा में उसके प्रमुख अधिशासी से है। कौन से अधिशासी से, जिसे निगमीय एजेंट द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में मनोनीत किया गया है। दूसरी बात, जो व्यावहारिक प्रशिक्षण ले चुका है, परीक्षा दे चुका है तथा जिसका प्रमाणन हो चुका है। तीसरी बात, जो निगमीय एजेंट की ओर से बीमा व्यवसाय का आग्रह करने एवं बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। तो ऐसे अधिशासी व्यक्ति को, मुख्य अधिशासी से को हम क्या कहेंगे, विनिर्दिष्ट व्यक्ति कहेंगे। तो ये था पहला भाग। दूसरे भाग में हम लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व की आवश्यक बातें, बीमा लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व की आवश्यक बातों का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।